लगातार बढ़ती जा रही गर्मी के चलते पशुपालन विभाग भी इस ओर सामने आ गया है। पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए सुझाव दिया गया है ताकि इस बढ़ती गर्मी से पालतू पशुओं को बचाया जा सके और उनको गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जब बात की गई तब उन्होंने बताया, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में पशुपालकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुविधा यही है कि खासकर आजकल लू और गर्म टेम्परेचर 40 से ऊपर हो जा रहा है, कम से कम ये है कि मेरा पशुपालकों से निवेदन है कि पशुओं को सीधे धूप वाले स्थान पर ना रखें, है ना। चराई है तो उनको प्रातः या सायंकाल ही भेजें और पशुओं को ऊपर से ढके हुए जैसे छप्पर है टीन शेड वाले स्थानों में रखें तथा रोशनदान दरवाजों खिड़कियों टाट बोरे को ढक दें जिससे कि उनको सीधी हवा का झोंका पशुओं तक लू लपट से बच सकें, या उन पर जो टाट और बोरे वगैरह हों उन पे पानी का छिड़काव कर दें जिससे कि हवा में गर्माहट टेम्परेचर कम हो। पशुओं को छाया में ही बांधें और छाया में बांधने के साथ साथ उनको पानी और तरल पदार्थ ही पिलाएं। पानी रुक रुक कर समय समय पर घंटे दो घंटे में उनको थोड़ा थोड़ा पानी दिखाते रहें जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम न हो। कंसंट्रेट संतुलित आहार पशुओं को दें, खली दाना चोकर की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दें, साथ ही उसमें नमक और गुड़ का प्रयोग करें क्योंकि मिनरल्स की उस समय थोड़ा स्वेटिंग और उससे कमी रहने की संभावना रहती है। पशु को अपने इस गर्मी से शरीर को मेंटेन करने के लिए संतुलित आहार और मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है। धूप में ज़्यादा देर तक रखा हुआ गर्म पानी पशुओं को न पिलाएं। स्वच्छ ताज़ा पानी हैंडपम्प या कुएं या उससे जो लिया हुआ हो, पोखरों का पानी जो रुका हुआ है उसको न पिलाएं, ठीक है। एक उनकी डिवर्मिंग करा दें, पेट के कीड़ों की दवा जो हो जाए, बरसात से पहले यही एक सही समय है कि उनका टीकाकरण करा लिया जाए। जो एक विशेषकर संक्रामक रोग बीमारी गला घोंटू है HS जिसे बोलते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, उसका टीका हमारे सभी पशु चिकित्सालयों पर उपलब्ध है। निःशुल्क टीकाकरण पशुओं में करा लें उसका, जिससे कि बरसात के समय में संक्रामक रोग न फैले। गोबर और मूत्र की निकासी की उचित व्यवस्था रखें, वहाँ गंदगी न होने दें। 10 बजे से 4 बजे के बीच में पशुओं के जो डायरेक्ट हीट है उससे उनका बचाव करें। खुले स्थान पर धूप में न खड़ा करें और खासकर जो टीवी और रेडियो पर तापमान और आगे की भविष्य की भविष्यवाणी मौसम